उठाए सांसा प्लीज। बेटा तुम्हें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए था। मियाना रवि से ना काम लेना चाहिए था। क्यों? ताकि सबके सामने आप ही बुरी बनती। मेरी बात कुछ और है, हुक्म समझ के ना सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे तुम और सैफ आमने सामने आए हो आज ना, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे तो इरफान और एहसन भी कभी आमने सामने नहीं आए, और ऊपर से कुत्सिया ने मारिया का रिश्ता मना कर दिया। अब पता नहीं सैफ ये सब कुछ कैसे ठीक करेगा, क्या होगा। प्लीज आप उन लोगों के मुताले कितना सोचना छोड़ेंगी। सैफ बच्चा थोड़ी है, उसे भी असल बात का पता होना चाहिए ना। सारी जिंदगी एहसान मामू इरफान मामू से फेवर्स लेते रहे, अब उन लोगों को भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए ना। अम्मी सीरियसली, आप और मैं जितना कर सकते थे ना हमने किया, बट दैट्स इनफ। राशिद पानी लेकर आने यार। अच्छा अच्छा, तुम तो सुकून से बैठो, गुस्सा छोड़ दो आप बस। फाइन। क्या बात सैफ? क्या वाकई मैं आपका सगा बेटा हूं या नहीं? क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है बाबा। हुमैमा की अब्दुल्ला से शादी करने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहले मामा ने कॉम्प्रोमाइज किया और फिर आपने। लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि मैं मारिया को छोड़ दूं। ये कहां का इंसाफ है? मेरी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है? ऐसा नहीं है सैफ, बेटी के लिए कुछ नजाकतों का ख्याल रखना पड़ता है। सारी जिंदगी आप मुझे नॉन सीरियस समझते रहे और कहते भी रहे। अरे हर जगह मुझे अब्दुल्ला से कंपेयर किया जा रहा है, और मैंने इस चीज को मजाक समझकर इग्नोर किया, सिर्फ इग्नोर किया, लेकिन आज मुझे हैरान कर दिया। कुछ 4 महीने पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसे इस खानदान का हाल, माजी, मुस्तकबिल सब कुछ पता है। और मैं तो सिर्फ 1 हफ्ता बाहर था ना, हमने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो बातें आपके बेटे को पता होनी चाहिए वो आपके भांजे को पता थी। महिमा की शादी की शर्त, इस घर का माजी, सब कुछ। बाबा अब्दुल्ला पप्पो का इकलौता बेटा है ना, उनके मामलात में शामिल रहा है तो उसे सब कुछ पता है। मैं भी तो आपका इकलौता बेटा था ना, लेकिन आपकी नजर में मेरी हैसियत हमेशा अब्दुल्ला से कम रही है ना? जो सब कुछ मुझे उससे पता चला है वो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कल जब मैं आपसे लड़ रहा था तो आपने क्यों नहीं बताया कि इस घर का माजी भी था? क्या मैं काबिले भरोसा नहीं था? बच्चों के सामने ये सब कुछ डिस्कस करना कहाँ की अकलमंदी है? पता नहीं आपा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब सुनकर क्या मैं जज्बाती नहीं होऊंगा बाबा? तूने बाहर से आके मुझे आईना दिखा गया, और मेरी माँ मुझसे बेटा होने का तावान मांग रही है। मेरी जिंदगी एक बंद गली में दाखिल हो गई है बाबा। मामा को चुनू या मारिया को, और ये फैसला मेरे लिए लेना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा है आपको? है अंदाजा? सैफ, सैफ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। अगर मैं उमायमा के लिए आपा के सामने झुक सकता हूं तो तुम्हारे लिए कुत्सिया को मना भी सकता हूं। बस तुम अपने बाप पे भरोसा रखो।